हाय गाइस, मैं हूं अली हाजी और आप मुझे देख रहे हैं सिने स्पीक्स पे। हाय अली, वेलकम ऑन सिने स्पीक्स। थैंक यू सो मच। बड़े हो गए आप अली जी। और हमने आपको पार्टनर में देखा था, वी लव्ड यू, और बहुत सारी फिल्मों में हमने आपको देखा है जी। तो आप बताओ, आपकी तो जर्नी पूछने की जरूरत ही नहीं है, बहुत टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हो जी। तो कैसा रहा आपका सफ़र और क्या कुछ सीखा आपने इस इंडस्ट्री से? सफ़र बढ़िया रहा है, आई मीन मेरी लाइफ पूरी इसी इंडस्ट्री में रही है। 19 साल का हूँ मैं एंड बचपन से यही कर रहा हूँ। जब से मैं 6 महीने का था तब से मैंने एक जॉनसन्स बेबी की कमर्शियल की, फिर एड्स किए, फिर फिल्म्स किए, तो मेरी आधी लाइफ फिल्म सेट पे ही रही है। तो ये सफ़र मेरे लिए, आई मीन आई कांट से दैट, यही मेरी लाइफ रही है। तो इसके अलावा आई मीन दिस जस्ट बीन स्कूल, फैमिली एक्सेट्रा, बट मूवीज से मैं बहुत अटैच्ड हूँ, फिल्म सेट से इन जनरल मैं बहुत अटैच्ड हूँ, और सफ़र बहुत अच्छा रहा है, सुहाना रहा है। क्या बात है। तो इस फिल्म में जो आपका रोल है, जो अभी हमने ट्रेलर में देखा, पूरा बहुत सेंसिटिव और बहुत डिसेंट रोल है, मतलब आपका जो अदर रोल्स थे इससे काफ़ी डिफरेंट है जी। तो ये रोल, ये स्क्रिप्ट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट, इसमें क्या किया आपको स्क्रिप्ट में? देखिए, बचपन में जब मैं एक्ट करता था तो तब कैसा था कि बताया जाता था कि ये लाइन है, आपको ये इमोशन लाना है, ये एक्सप्रेशन देना है, स्माइल कीजिए, सैड हो जाइए, ऐसा कुछ। अभी जब मैं बड़ा हो गया और मुझे मेरे खुद के चॉइसेस करने थे एज एन एक्टर कि मुझे क्या करना है, तो मैं एक स्क्रिप्ट में ये ढूंढ रहा हूँ कि एक कैरेक्टर की जर्नी, जिस जर्नी में यू कैन सी दैट कैरेक्टर कि वो उनकी शुरुआत कहीं पे होती है और उनका अंत कहीं और होता है, और उनके बीच में उनका जो ग्राफ होता है, अगर वो ग्राफ और अगर उनकी पूरी जर्नी इंटरेस्टिंग रहे, चाहे वो जर्नी शॉर्ट या लंबी हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, पर जर्नी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कैरेक्टर का एक ग्राफ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो उससे मैं स्क्रिप्ट चूज़ करता हूँ। और जहाँ तक कि नॉबल मैन की बात है, जो मेरी फिल्म आ रही है, इसमें जो मेरा कैरेक्टर है शे, उसकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहाँ से उस लड़के की शुरुआत होती है और जहाँ वो पहुँचता है, जो इवेंट्स है मूवी में जो उसके साथ होते हैं, वो उसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाते, वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि सुनते ही मुझे पता था कि मुझे ये करना है। तो कितना कॉमन था आपकी खुद की जो जर्नी रही है स्कूल की, कॉलेज की, उस लाइफ से कितना मिलता जुलता था या कितना डिफरेंस था उसमें? देखिए, काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मैं शहर का लड़का, आई हैव बीन अ सिटी बॉय, तो मैं बोर्डिंग स्कूल नहीं गया हूँ। मैंने बोर्डिंग स्कूल के किस्से सुने हैं, कहा जाता है कि बोर्डिंग स्कूल में ऐसा होता है, वैसा होता है, मूवीज़ में देखा है, लेकिन रियल बोर्डिंग स्कूल लाइफ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो उसको लाना, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल का कल्चर एक बहुत प्रोमिनेंट कल्चर है इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत बोर्डिंग स्कूल्स है, बहुत बॉयज़ को भेजा जाता है, उनको डिसिप्लिन करने के लिए कहा जाता है कि फैमिलीज लड़कों को डिसिप्लिन करने बोर्डिंग स्कूल में भेजते। जब मुझे वंदना से, मेरे डायरेक्टर से पता चला कि बोर्डिंग स्कूल्स में ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं, कुछ ऐसी डार्क चीज़ें जो मतलब लोगों को तंग किया जाता है, लोगों को बुली किया जाता है, तो मैं भी काफ़ी शौक था, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल से एक बहुत पॉलिश्ड, बहुत यू नो क्लीन, रिस्पेक्टेबल वो आउटलुक होता है, एक आउटर इमेज होता है। लेकिन जब पता चला कि बोर्डिंग स्कूल में ऐसा सब भी होता है, तो आई वॉज क्वाइट शॉक्ड। और मैं ये नहीं कह सकता कि कुछ कॉमन था मेरी स्कूल लाइफ में और यहाँ पे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो कैरेक्टर है शे, उसमें और मेरे में कुछ कॉमनैलिटीज़ है, जैसे कि एक इनोसेंस जो है, यू नो आई थिंक जब मैंने ये फिल्म की तभी आई कुड रिलेट विद द कैरेक्टर के एक वल्नरेबिलिटी है, उसे डर लगता है, एक फियर है, लेकिन एक करेज भी है कि मैं इससे गुजर जाऊँगा, मैं इस मुश्किल दौर से निकल जाऊँगा। तो आई थिंक दैट दोज थिंग्स रियली अट्रैक्टेड मी टू इट, वो कॉमनैलिटी ज़्यादा थी। तो आपके भी ऑडिशन हुए इस रोल के जी, लिए? जी बिल्कुल। तो इजीली सेक्शन हुआ या थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा कुछ? इजीली आई डोंट थिंक कुछ इजीली होता है आज के टाइम में, बट काफ़ी एक दो ऑडिशन के राउंड्स के बाद कॉल बैक्स मिले, और वर्कशॉप करने के बाद वंदना ने सिलेक्ट किया जो भी उनके लिए सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा था, तो आई गेस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई एम हियर नाउ। तो जब आप चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह काम करते थे, आपने सलमान के साथ, सैफ के साथ, बहुत बड़े बड़े हीरोज़ के साथ, हीरोइंस के साथ काम किया, उस टाइम कभी नर्वसनेस हुई या कभी कैसे आप रेडी होकर के जाते थे सेट पे और इतने बड़े बड़े हीरोज़ का सामना करते थे? एक्चुअली फ़र्क यह है कि जब मैं छोटा था तब नर्वसनेस कम और एक्साइटमेंट ज़्यादा होती थी। हाँ। नर्वसनेस भी होती थी क्योंकि जैसे कि सलमान खान है, आमिर खान है, दे आर लाइक चाइल्डहुड हीरोज, उनको उस बिग स्क्रीन पर देखा हुआ है, उनके साथ काम करना इज़ अ बिग डील, यू नो, एक प्रेशर सा होता है, क्योंकि जो पेरेंट्स है, जो ऑन सेट लोग हैं, वो भी एक हाइप क्रिएट हो जाता है कि सलमान सर के साथ तुम स्क्रीन शेयर कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। बट व्हेन यू आर यंगर तो एक इनोसेंस सा होता है, तो इट्स मोर ऑफ एन एक्साइटमेंट, तो कभी नर्वसनेस में मैंने प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट था उनके साथ काम करने का। और एज एन एक्टर भी
the expectation from you is not at that level that it is now. True. So, abhi ka farak bahut hai. Right now, I would be nervous because now I have to deliver as an actor. Correct. Bachpan mein jo bhi hua, I'm very grateful for that. You know, I had my chance to act, to play all those roles and all of that. But abhi as an artist, as an actor, is my time to really explore. Mujhe तो नर्वसनेस अब होती है तब नहीं होती अब चॉइस ज्यादा करनी पड़ेगी और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा अपने करियर के लिए कोई ऐसा नॉस्टैल्जिक मोमेंट रहा है उस टाइम के एक्टर्स के साथ आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया तो कुछ ऐसा मोमेंट होगा जो आज भी जब आप उसको याद करते हो तो आपको एक स्माइल आती है कुछ ऐसा रहा देखिए मेरा पूरा टचवुड बचपन ऐसे मोमेंट से भरपूर रहा है बट कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं मुझे एक सेकंड में याद नहीं आएंगे बट लाइक विद सलमान सर विद गोविंदा सर वो बहुत स्पॉन्टेनियस हुआ करते थे तो पार्टनर के जो कुछ बहुत कॉमिक मोमेंट्स थे वो इन द मोमेंट बने हैं क्योंकि उन्होंने ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ किया मुझे भी एक लाइन दे दी और वो सीन वैसे ही बन गया और अब वो बहुत मेमोरेबल सीन बन चुका है लाइक एक लाइन है कि मैं सलमान सर को बोलता हूँ कि मम्मी के मजनू मम्मी को उस फाइट के बारे में मत बताना तो ये लाइन सलमान सर ने मुझे दी थी बोलने के लिए वो ऑन द स्पॉट बिफोर द टेक उन्होंने कहा मैंने बोल दिया और अब वो लाइन काफ़ी मेमोरेबल बन चुकी है तो ऐसे मोमेंट्स थे जो याद करके अच्छा लगता है कि यू नो आई वॉज लिटरली इम्प्रोवाइजिंग अ सीन विद सलमान खान एग्जैक्टली सो इट्स अ बिग डील सो हाउ यू आर बैलेंसिंग योर कॉलेज और स्कूल लाइफ और योर दिस करियर जो आई मीन माई फैमिली हैज़ ऑलवेज बिन वेरी फर्म विद मी दैट आई हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन माई एजुकेशन एंड माई वर्क तो बचपन से ही रहा है क्योंकि बचपन में भी मैं स्कूल कम जाता था 30-40% अटेंडेंस होती थी मेरी बट आई टू गो फॉर माई एग्जाम्स में प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए पहुंच जाता था और मेरे ग्रेड्स हमेशा से अच्छे थे दैट्स व्हाई माई पेरेंट्स कुड टेक अ रिस्क टू पुट मी इन दिस लर्निंग तो टच वुड हैव ऑलवेज बीन एबल टू बैलेंस बोथ द एस्पेक्ट्स और अभी भी बैलेंस कर रहा हूँ विद कॉलेज तो अटेंडेंस इज नॉट एज स्ट्रिक्ट एज स्कूल तो इट्स बीन प्रीटी गुड और फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा जी बिल्कुल कभी किसी ने कोई नेगेटिव वो नहीं किया कि मत जाओ ज़्यादा करियर ऐसा है वैसा ऐसा कुछ कभी नहीं ऐसा कुछ तो कभी आया नहीं है ऐसा कुछ कभी नहीं आया और अभी तक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको अपनी लाइफ का सबसे प्यारा कॉम्प्लीमेंट आई कांट बी श्योर जो भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले बहुत सब ऑल ऑफ देम मीन अ लॉट टू मी I have been grateful enough to work with many big people like Mr. Bachchan, Amit sir. So even jab wo set pe choti choti cheeze bolte the, like you know, good shot or well done, it means a lot because those people are your heroes. Yeah. So every compliment that has come from people you know who are above you, who you look up to, you admire, it means a lot. I can't pick one. Yeah. And how was working with Kunal? Working with Kunal was fantastic. Kunal bahut hi down to earth hai, bahut hi humble hai. He's done big films. He's been a part of Rang De Basanti, Dear Zindagi. Yeah. He's a star. Like when you go on set with him, you have this expectation that you know he'll be a certain way because he's been a part of so many big films. Lekin वो बहुत ही हम्बल है और वो सामने वाले पर्सन को इतना कंफर्टेबल महसूस करवाते हैं दैट सीन में मेहनत करने में मजा आता है एंड देन यू कैन वर्क टुगेदर यू कैन कोऑर्डिनेट यू नो कोलैबोरेट विद हिम एंड क्रिएट समथिंग नाइस इन द सीन तो फॉर दैट आई हैव क्रेजी रिस्पेक्ट फॉर कुनाल और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था बहुत कंफर्टेबल था तो सबसे ज्यादा सीखने को किससे मिला कौन सी ऐसी एक्ट्रेस एक्टर क्या सबसे ज्यादा लर्न किया बेस्ट क्वालिटी किसी से क्या ग्रैब किया आपने आई मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत इंक्लिनेशन है तो मैं डायरेक्टर्स को बहुत ऑब्जर्व करता हूँ फॉर दैट मैटर वंदना से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला एज एन एक्टर मैं आमिर सर से काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं बहुत छोटा था जब फना की शूटिंग चल रही थी मैं 5-6 साल का था लेकिन आमिर सर का हमेशा गोल ये था कि उनका परफॉर्मेंस नहीं लेकिन पूरा सीन उभर के आना चाहिए ही डजंट फोकस जस्ट ऑन हिज ओन एक्टिंग ही फोकसेस ऑन व्हाट आई एम डूइंग व्हाट काजोल मैम इज डूइंग द एंटायर सीन उन्हें उनका ये गोल है कि द सीन शुड प्ले आउट ब्यूटिफुली एंड आई थिंक दैट इज द मार्क ऑफ अ वेरी सेल्फलेस एक्टर एंड आर्टिस्ट हु मतलब वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट ही कैन फॉर हिज ऑडियंस तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम आमिर खान अभी क्या आगे इसके बाद जी अभी सुपर 30 आएगी 12 जुलाई को विद रितिक सर आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल एंड एक और फिल्म है लाइन ऑफ डिसेंट करके विच इज़ अ इंडो हॉलीवुड फिल्म विद अभय डियोल ब्रेंडन फ्रेजर रोनित रॉय एंड सीनियर एक्टर्स लाइक प्रेम चोपड़ा तो उसके लिए अभी थोड़ा वक्त है बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एज वेल बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफरेंट रोल ओके सुपर 30 में क्या है थोड़ा हम जानना चाहेंगे सुपर 30 में जो सुपर 30 के स्टूडेंट्स हैं मैं उनका हिस्सा नहीं हूँ आई एम वन ऑफ रितिक सर्स आनंद कुमार सर्स अर्ली स्टूडेंट्स जब वो दूसरे कोचिंग फैसिलिटी में थे तो बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा आई वुड वांट टू वॉच द फिल्म एंड सी इट फॉर योरसेल्फ ओके और बस चलते चलते कुछ फैंस को बता दो आप रिलीजिंग डेट बता दो और
बस नोबलमैन इज गोइंग टू कम इन सिनेमाज ऑन 20th ऑफ जून. तो मैं चाहता हूँ कि आप ये फिल्म देखें. मैं सारे यंगस्टर्स को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ ये फिल्म देखें. यू नो हम बहुत फिल्म देखते हैं अबाउट स्टूडेंट लाइफ एंड देर ऑल ग्रेट मूवीज. दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. ये एक स्टूडेंट लाइफ की एक डार्क स्टोरी है जो बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन ऐसी कहानियाँ हम तक अक्सर पहुँचती नहीं है. तो नाउ दैट इट्स हियर आई वुड वॉन्ट पीपल टू वॉच दिस फिल्म, टू टॉक अबाउट इट एंड टू यू नो स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सच अ फिल्म. इट्स अ एज अ फिल्म भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पीस है, और ये जो कहना चाह रही है वो भी काफ़ी ज़रूरी है. तो फॉर बोथ रीजन आई वुड वॉन्ट यू कि प्लीज़ ये फिल्म देखिए. तो नहीं, हमारी तरफ से भी आपको ढेर ढेर सारी विशेस की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए. थैंक यू सो मच. और आपकी सारी फिल्म सुपर हिट हो. और थैंक यू सो मच अली हमसे बात करने. थैंक यू सो मच मैम.